हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने 10-12 कच्चे आम ले लिए हैं। ये छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। ये एकदम ताज़े पेड़ के टूटे हुए हैं। मेरे सामने ही पेड़ है, उसी से मैंने एक गुच्छा तोड़ लिया है। इसको अच्छे से साफ करके धुल लिया है। अब इसको छील के तैयार करेंगे। मैं चाकू से छील रही हूँ, आप चाहें तो छीलनी से छील लीजिए। ये मेरे छीलने का अनोखा तरीका है। इस तरह से ये देखिए, पूरा छिलका एक ही में निकल आया। अभी इसके अंदर जाली नहीं पड़ी है। इस तरह से बीज हटा देंगे, सारे छील के तैयार कर लेते हैं। आज ये छोटे छोटे कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। आपको बहुत पसंद आएगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप तो बहुत तरह की रेसिपी बनाते होंगे और बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है और टेस्ट भी अलग अलग होता है। पीछे शादी हो रही है, पटाखों की आवाज़ आ रही है, डीजे की आवाज़ आ रही है, फिर से शादी का सीज़न शुरू हो गया। ये छोटी छोटी आमियाँ थी तो मैंने 10-12 ले लिए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर लीजिए। इसको आप एक बार बना लेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो एक हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब सारी आमियाँ छिल गई हैं, अब इनके छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। अब सारे पीस कट गए हैं, अब इनको डालेंगे एक मिक्सर जार में। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया, साबुत धनिया, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 7-8 लहसुन की कलियां, 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। इनको मैंने बीच से तोड़ लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, जितना तीखा खाते हो। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे पुदीना के पत्ते, थोड़े ज़्यादा से डालेंगे, एक मुट्ठी। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। अब इसको पीस लेंगे, मिक्सी को रोक रोक के चलाएंगे जिससे बढ़िया से पीस जाए। अभी देखिए पूरा आम पीस गया है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम पेस्ट जैसे बन गया है। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये कच्चे आम की चटनी बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, मेरा तरीका भी आपको पसंद आएगा। आप तो बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, पूड़ी या फिर किसी खाने के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। इसको फ्रिज में रख करके एक हफ्ते एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।